हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज उर्वशी जोशी एंड दिस इज माय चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। अब दोस्तों, ये पार्ट 3 है पंडित का लड़का यादव की लड़की का। पार्ट 3 है। तो अब ये है कि फेमिनाइन जो थी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो परेशान वो इतनी हो गई थी, मूड स्विच हो गया था उनका कुछ अलग तरीके का। अचानक से वो डिफरेंट तरीके से सोचने लग गई थी, जबकि पहले वो डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रही थी। अब उनको बाउंड्री समझ आ रही थी, मम्मी पापा दिखाई दे रहे थे, उससे भाग रही थी। जिस लड़के को वो खुद इतना देख रही थी, अब उसी लड़के से भाग रही थी। और भागा इतना कि दूसरे कोचिंग सेंटर में जाके एडमिशन ले लिया। अब क्या हुआ कि वो सब चीज़ें तो कर ली कॉम्प्रोमाइज़ हर जगह पे, ठीक है, प्यार को भी दबा दिया, सब कुछ कर लिया। अब ब्लास्ट तो होना ही था। अब ब्लास्ट कैसे हुआ कि वो थोड़ा जो है चिड़चिड़ा और स्ट्रेस रहने लग गई। अब उस कोचिंग सेंटर में क्या हुआ कि उनकी एक सहेली थी जिसके साथ उनका कोचिंग सेंटर में ही थोड़ा सा कलेश हो गया, झगड़ा हो गया। उनके जो सर थे वहाँ के, उसने बड़ी बुरी तरीके से उस लड़की को जो है, उनकी सहेली को जो है, झाड़ा वहाँ पे। उन्होंने बोला कि जब उन्होंने उसकी सहेली को झाड़ा तब भी उन्हें अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों। और उसके अगले दिन जब वो कोचिंग सेंटर गई तो अगले दिन सबके सामने उनकी बेइज्जती करी इनडायरेक्ट वे में। तो उन्होंने बोला कि उनको इतना बुरा लगा, और उन्होंने बोला कि सर आप मेरी इस तरीके से बेइज्जती नहीं कर सकते हैं, आप मुझे ऐसे नहीं बोल सकते हैं। बट कह रही कि उन्होंने अगले दिन उसको भी बहुत सुनाया, और वो कह रही कि वो इतना रोई घर आके, और रोते वक्त उनका सब कुछ सरफेस पे आने लग गया। उन्हीं दिनों उन्होंने बताया कि उनकी बहन से उनकी 1 महीने से झगड़ा चल रही थी, जिसकी वजह से वो अपनी बहन से भी बात नहीं कर रही थी। उन्होंने बोला कि उनको ऐसा लगने लग गया, उनकी मम्मी पापा गाँव गए हुए थे, और उन्होंने बोला कि रुचि मैम मैं इतना रोने लग गई फूट फूट के कि मैं कल से नहीं जाऊंगी इस कोचिंग सेंटर में, और मुझसे कोई दुनिया में प्यार नहीं करता। वो भी था, वो उसका भी कहीं और लफड़ा चल रहा है, मेरा यहाँ पे एडमिशन भी नहीं हुआ, मेरा यहाँ कुछ नहीं हुआ, और क्या बोलते हैं मेरी बहन भी, मतलब देखो मेरे से झगड़ा करके बैठी हुई है, मेरी सहेली के साथ भी मेरा ये हो गया, और मेरे टीचर जो है वो मेरे पे इस तरीके से बड़बड़ा रहा है, मेरी कहीं पे कोई मुझे नहीं समझता है। और कहती है कि मैं फूट फूट के फूट फूट के, रुचि मैम बिना बात पर रोती रही रोती रही। और मुझे उसका भी याद आने लग गया है कि हाँ मेरे से प्यार नहीं करता था, मुझे ऐसा ऐसा देखता था, और उसके बाद इसने मुझे मुझे कुछ नहीं, इसका यही रहा, ये मेरे साथ मतलब ऐसा ऐसा कर रहा था, इसने ढंग से कोई इजहार नहीं किया, इसका भी यही था। तो कहती कि पता नहीं मैं ना अकेले में अगले दिन से मैंने कोचिंग जाना भी बंद कर दिया। अब कह रही मम्मी पापा घर पे नहीं थे उस टाइम पे, गाँव गए होते कहीं, और बड़ी दीदी से झगड़ा हो रखा था। तो कहती कि मैं पूरे टाइम जो है कमरे में जब बंद रह के, और बस रोती ही रहती रोती ही रहती, या फिर नेटे नेटे ना, कह रही कि मैं उसके साथ टेलीपैथिक टॉक करने लगी अकेले में, और कह रही मैं अपने आप बड़बड़ा रही हूँ उसके साथ कि ये हुआ था वो हुआ था, और कहती मैं ऐसे बड़बड़ 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 अकेले अकेले उसके साथ बड़बड़ाती रहती। मैं उसको ऐसे याद करने लग गई अचानक से, सारा कम्युनिकेट उसके साथ कर रही हूँ अकेले में नेटे नेटे। तो कहती मैं ना ऐसे अजीब सी होती जा रही थी, जैसे मुझे कुछ हो गया हो, तो कमरे में कोई नहीं है लेकिन मैं अकेले में उससे बातें कर रही हूँ। तो कहती मेरी दीदी ने मेरे को ऐसे झांका और देखा कि ये क्या कर रही है, एक बार देखा दो बार देखा, कह रही मेरी दीदी ने चिल्ला के मुझे झाड़ा कि ये तुम कर क्या रही हो, ये पागलपंतियाँ, ये चल क्या रहा है, ये कर क्या रही हो तुम ये। तो कहती कि मैं दीदी से भी कह रही हूँ कि भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से, कि सब निकलो, मेरे कमरे में कोई नहीं आएगा। और कह रही मैं वैसी अजीब सी झल्ली सी हो गई कुछ दिनों में, कि मतलब ऐसी जैसे अध पागल से जैसे हो जाते ना, ऐसी सी, कह रही कि ऐसी ऐसी हो गई उर्वशी मैम। तो उन्होंने बोला कि वो इतने में जब उनके मम्मी पापा आए, तो उनकी दीदी ने फटाफट जाके जो है और मम्मी पापा को बताया कि आप जब नहीं थे तो ये अजीब सा ऐसे अकेले में बड़बड़ाती रहती थी, अकेले में बातें करती थी, इसको पता नहीं क्या हो गया, इस पे कुछ लग गया है क्या, कुछ हो गया है क्या। तो कहते मम्मी पापा ने जब मेरे सामने आया तो मैं मम्मी पापा भी चिल्ला रही हूँ पागलों को जैसे। तो कहते मम्मी पापा जो है वो रोने लग गए फूट फूट के कि क्या हो गया हमारी लड़की को, ऐसे कैसे हो गया। तो कहते पापा इतने परेशान हो गए इनके कि इनके पापा ने जब इनके अपने दोस्त को बताया, तो इनके दोस्त ने जो है फिर बोला कि यहाँ पे पता नहीं कौन एक औरत तांत्रिक पता नहीं क्या है, तो आप उसको दिखाओ, उसको बुलाओ अपने घर में, कुछ कराओ, पूजा पाठ कराओ, शायद उसको दिखाओ। तो कहते कि फिर पापा ने ना, कहती मैं तब भी मैं कमरे में ही अकेले में बैठी रहती, नेटी रहती, ऐसी बड़बड़ा रही हूँ, सपनों की दुनिया में खोई हुई हूँ, उसके साथ बातें कर रही हूँ ऐसे पता नहीं क्या। तो कहती जब वो औरत आई, वो जो जिसको उसके पापा ने बुलाया, कहती वो घर पे आई तो उसने आके सबके सामने बोला कि इस लड़की पे तो ना कुछ लग गया है, जिन लग गया या कुछ लग गया है, और है ना इस पे से निकाल दूंगी। और कहती कि मैं, वो मेरे मम्मी पापा के सामने मेरे बाल खींच रही है, कुछ कुछ कर रही है, अजीब हरकतें, मैं उसको खाने को दौड़ रही हूँ। तो कह रही कि ऐसा गंदा माहौल भर गया हमारे घर में। तो कहती कि वो मुझे ये बोल रही थी, मुझे बड़ा अजीब लगा ये बात सुन के, बट आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि मतलब इतनी प्यार से शुरू हुई थी कहानी और आगे कैसा मोड़ ले रही थी। तो उन्होंने बोला कि वो औरत चिल्ला चिल्ला के बोली कि इस पर लगा हुआ है, इस पर लगा हुआ है, इस पर जिन लगा हुआ है, इसका मैं निकालूंगी। तो कहती कि उसने मुझे बोला कि
थूक यहाँ पे और इसको चाट। कहती तो मैंने बोला कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, तो उसने बोला कि नहीं तू नहीं करी, तेरे अंदर के जो राक्षस है उसको निकालना है, बोल ऐसा कर। तो कहती कि मैंने फिर कहती कि मेरे घर वाले भी मुझे ऐसे धक्का मार रहे पीछे से कि करो करो कर ऐसा। तो कहती फिर मुझे ऐसा करना पड़ा, बट कहती कि कुछ भी असर नहीं हुआ। वो चली गई अपने जो भी तंत्र मंत्र करना रहा होगा उसने घर पे, वो चली गई, पर कहती कि कुछ भी मेरे को नहीं हुआ असर, मैं वैसी की वैसी ही रही। फिर कहती दूसरे दिन उन्होंने मेरे को अपने वहाँ जहाँ उनके घर जो उस औरत का जो एस्ट्रोलॉज जो जो भी थी तांत्रिक टाइप की, उसने बुलाया अपनी जगह पे। तो कहती हमारी पूरी फैमिली जो है उनके वहाँ गए उसकी जगह पे, कहती मैं भी गई। कहती उसने मुझे हम मेरे को सामने बिठाया, मम्मी पापा और सब पीछे बैठे हुए, तो मुझे बोलने लग गई कि ये नाम है उस लड़के का ऐसे करके। तो कहती कह रहे मम्मी पापा शॉक्ड पीछे से हैं। तो कहती मैं इतनी बेशर्म हो गई, मैं सब पूरे घर वालों के सामने और भी जो लोग थे उनके सामने कह रही हूँ हाँ ये है उसका नाम। तो कहती प्यार करती हो तुम उससे? तो वो कह रही कि मैंने बोला कि हाँ प्यार करती हूँ उससे। तो उसने बोला कि शादी करना चाहती हो तुम उससे? तो कहती मैं सबके सामने इतनी शर्म नहीं आ रही मुझे कि मम्मी सुन रही होगी, पापा सुन रहे होंगे, बहन सुन रही होगी, सब सुन रहे हैं। कहती मैंने उनको बोला हाँ शादी करना चाहती हूँ उससे। तो कहते कि बोलने लगे कि दुर्गा पूजा तक आएगा वो लड़का तेरे पास खुद चल के, और है ना तो तेरे से शादी करने के लिए तड़पता हुआ आएगा। तो कहती तो तू कर लेगी उससे शादी, छोड़ देगी अपने घर वालों को? तो कहती मैं ऐसे पागलों के जैसे बोल रही हूँ, हाँ छोड़ दूंगी इन सबको, छोड़ दूंगी, मेरे लिए वही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। तो कहती मैं अजीब सी हो रखी थी उर्वशी मैम, ऐसे पागल सी हो रखी थी उसके चक्कर में। तो कहती कि फिर वो मुझे ऐसे साइड में लेके गई और वो मुझे वैसे साइड में बिठा के बोलने लगी कि सुन तुझे उससे शादी करनी है तो मैं करा सकती हूँ। तो कहती कि मैंने बोला कि हाँ मैं कराओ मेरी उससे शादी। तो बोली कि मैं ना तेरे घर वालों का ना वो चेंज कर देती हूँ, मतलब मन परिवर्तित कर देती हूँ, ऐसी पावर है मुझ में। तो कहती इतने में ना पीछे से मेरी मम्मी ने ना सारी बातें सुन ली, और मैं उनको कह रही हूँ कि मैं सोचो वो कह रही डीएफ कि मैं कह रही हूँ उसको कि हाँ कर दो मेरे परिवार वालों का मन परिवर्तित कर दो, मतलब वो जो मैनिपुलेट होता है ना ऐसा कर दो कर दो। कहती मेरी मम्मी ने पीछे से सुना, मेरी मम्मी ने कहती मेरे को भी इतनी गालियां दी और उसको भी इतनी बेइज्जती करी, तमाशा कर दिया कि तुम्हें पुलिस में दूं, ऐसी ऐसी हरकतें करती हो। और कहती मेरी मम्मी ने वहां पूरा तमाशा मचा दिया और कहती कि वो डर गई वो औरत। पर इन्होंने बताया कि उस जमाने में सोचो 2011 में इस चीज के लिए 20,000 रुपए इसके पापा जी ने उनको पे करे, सोचो आप लोग। ठीक है तो पे करे थे, पहले ही ले लिए थे उसने 2011 में, 20,000 फिर भी ज्यादा होते थे। ठीक है तो कहती कि उसके बाद उर्वशी मैम घर आई, मैं इतनी शर्मिंदा, मम्मी पापा और रो रहे हैं बैठ के कि हमारी लड़की को हमने पढ़ने भेजा था और ये तो ऐसे इस नाम के लड़के के साथ ये क्या करती फिर रही थी बताओ। है ना बिहार में ये सब चीज़ें बहुत मतलब झारखंड वहाँ उस साइड पे बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, अच्छा नहीं मानते मुझे मालूम है इन सब चीज़ों को पेरेंट्स के सामने स्पेशली। तो उन्होंने बोला कि मैं इतना शर्मिंदा, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं ऐसी दीवानी बनी पड़ी थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे हो क्या गया है, ये मैं इतनी इतनी मदहोश हो कैसे रखी हूँ, मुझे हुआ क्या है, मेरे पे किसने क्या कर दिया है। तो कहती कि वैसे ही मदहोशी में मैं पड़ी रही, तो मम्मी पापा को भी पता है तब भी मुझे कोई ऐसा नहीं हो रखा, फर्क नहीं पड़ रहा। उसके बाद कहती कि मेरे पे कोई असर नहीं पड़ा, कोई उस तांत्रिक क्रियाओं का भी ठीक कराने का कोई भी कह रही कि कुछ नहीं हुआ, मैं वैसी की वैसी ही। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने मुझे बताया कि उसके बाद इनके पिताजी जो हैं वो इनको डॉक्टर के पास ले गए, मतलब वाले जो ये कौन से डॉक्टर होते हैं, ये साइकेट्रिक्स होते हैं क्या होते हैं, उन वाले डॉक्टर के पास ले गए। और कहती कि डॉक्टर के सामने मैं जैसे ही बैठी तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि किसी लड़के से प्यार करती हो? तो कहती मैंने बोला हाँ करती हूँ। तो बोलने लगे कि पागल होना है क्या किसी के प्यार में, ऐसे पागल थोड़ी ना हुआ जाता है। ठीक है तो कोई चीज़ चली गई हाथ से या नहीं है साथ में तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है। कहती कि उन्होंने बड़े प्यार से समझाया डॉक्टर साहब ने कि ऐसे नहीं होता बेटे, अगर कोई चीज़ चली गई तो कोई बात नहीं, उसे सदमा पकड़ के नहीं बैठते उस बात का, और छोड़ो रिलीज करो उस चीज़ को। ठीक है तो कहती कि मैंने बोला कि अच्छा ठीक है। कहती पापा भी वहीं बैठे हुए थे, फिर कहती डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ लिख के दी और उसके बाद कहती मैं घर आई और उसके बाद मैंने दवाई खाई। और उर्वशी मैम जब मैं सुबह उठी ना तो मैं पहले से काफ़ी ठीक बिहेव कर रही थी, अगले दिन अपने परिवार के साथ आके बैठ गई और मैं थोड़ा नॉर्मल बात कर रही थी। तो कह रही घर वाले भी ऐसे मतलब ऐसे हैरान होकर एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि ये क्या मतलब, ये कैसे मतलब। तो कह रही उसके बाद मेरी जब दवाइयाँ शुरू हुई धीरे धीरे करके तो मैं थोड़ा थोड़ा ठीक होने लग गई। ठीक है जबकि डॉक्टर ने तो मतलब बोल दिया था कि इनका थोड़ा सा मतलब जो है वो थोड़ा सा वो हिल गया है मतलब ऐसे करके, बट कहती दवाई खाने के बाद जो है मैं एकदम से
रिकवर करने लग गई और मैं पूरे परिवार के साथ बैठने लगी, अकेले में नहीं रहती थी। परिवार वालों, डॉक्टर ने कह स्पेशली बोला था कि इनको अकेले नहीं रहने देना, बिल्कुल भी अकेले इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना, इनके साथ रहना है हर वक्त, किसी ने जब मेडिसिन चल रही होंगी तब भी साथ रहना है हमेशा, इनको अकेले कभी नहीं छोड़ना। तो इन्होंने बोला कि मैं फिर अचानक से सबके साथ बैठने लगी, साथ में खाना खाने लग गई, अकेला रहना बंद कर दिया। तो कहती घर वालों को सबको लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, बट कहती अंदर ही अंदर फिर भी डीएम जो है वो चल रहा था माइंड में, चाहे परिवार के साथ थी ये, सबके साथ थी, सबको लग रहा था रिकवर हो गई हैं, इनको भी ये भी स्माइल करने लग गई थी वापस, कमरे से अकेला बाहर आने, कमरे को छोड़ दिया था, बस खब में खुल मुल के रहने लग गई थी। परिवार वालों को लग रहा था कि ये भूल गई और शायद उसका जो प्यार का भूत था वो उतर गया, बट इन्होंने बोला कि अंदर अभी भी उसके लिए फीलिंग्स चल रही थी और बस मौका चाहिए था उससे बात करने का दोबारा से। तो ये अभी मैं अगला पार्ट अभी फिर दोबारा बताती हूँ, आज रात को ही कंप्लीट करूंगी इस स्टोरी को।